आज हम बात करेंगे कई सालों से चल रहे लॉन्ग रनिंग शोज़ के बारे में, जिन्होंने अपनी कहानी में नयापन लाने के लिए जनरेशन लीप लाया और नए कलाकारों के साथ। तो चलिए आप बात करते हैं कुछ ऐसे सीरियल्स के बारे में और जानते हैं कि कैसी रही इनकी लीप के बाद की परफॉर्मेंस। सबसे पहले बात करते हैं सोनी टीवी के सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 2 की, जो कि पहली बार अगस्त 2021 को टेलीकास्ट हुआ था और ऑडियंस ने राम और पिया की मैच्योर लव स्टोरी को काफ़ी पसंद किया था। पर साल 2021 के अंत में इसकी टीआरपी कम होने लगी, जिसके वजह से 2023 की शुरुआत में जनरेशन लीप लाया गया और स्टोरी को फोकस किया गया राम और पिया की डॉटर प्रांची और पीहू पर, जहां नीति टेलर और पूजा बनर्जी लीड किरदार में नजर आई और वहीं उनके ऑपोजिट रणदीप रॉय को कास्ट किया गया। इतनी सुंदर जनरेशन होने के बाद भी इसकी टीआरपी लगातार गिरती रही, इसकी वजह थी राम और पिया की जोड़ी, जो कि ऑडियंस फिर से देखना चाहती थी, और इसी वजह से ही शो की टीआरपी गिरने लगी और जल्द ही इस शो को बंद कर दिया गया। अब बात करते हैं कलर्स टीवी के शो उडारियां की, जहां इस शो में तीसरा जनरेशन लीप लाया गया है, जहां पिछली जनरेशन की तरह दो हीरोइन और एक हीरो है, जहां स्टोरी फोकस की गई है सेकंड जनरेशन की नेमत की डॉटर आलिया और हरलीन की डॉटर आजमा पर, जहां कुछ हालात ऐसे पैदा होते हैं कि आजमा की शादी आलिया के प्यार अरमान से हो जाती है। और पिछली जनरेशन की तरह ही इसमें भी लव ट्रायंगल ड्रामा दिखाया जा रहा है, जहां टीआरपी के मामले में ये शो एवरेज चल रहा है। तीसरे नंबर पर आता है सीरियल कुंडली भाग्य। इस शो में भी जनरेशन लीप लाया गया, स्टोरी को फोकस किया गया प्रीता के दो बेटे शौर्य और राजवीर पर, और उनके ऑपोजिट एक सोलो फीमेल करेक्टर सना सैयद को कास्ट किया गया। शो के आज भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और ऑडियंस को इसकी स्टोरी काफ़ी पसंद आ रही है। नंबर 4 पर आता है 2014 में लॉन्च हुआ सीरियल कुमकुम भाग्य। इसमें भी इस साल तीसरा जनरेशन लीप लाया गया, जहां रांची शर्मा और अवराज काजी लीड किरदार में नज़र आ रहे हैं। पर जब से शो में लीप आया है, शो की टीआरपी काफ़ी ज़्यादा लो हो चुकी है। अगले नंबर पर है सीरियल इमली। इस शो में तीसरा जनरेशन लीप लाया गया और शो की कहानी इमली की ग्रैंड डॉटर इमली पर फोकस की गई, जहाँ इस शो में लीप के बाद नए स्टार्स ने लोगों का खूब दिल जीता। अब बात करते हैं स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो जे रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में, जहां फोर्थ जनरेशन लीप लाया गया और स्टोरी को फोकस किया गया अक्षरा और अभिमन्यु की डॉटर अबीरा पर। अबीरा के किरदार में समृद्धि शुक्ला को लिया गया और उनके ऑपोजिट अरमान के रोल में शहजादा दामिन को लिया गया। पहले शो की टीआरपी काफ़ी गिर गई थी, पर अब धीरे धीरे शो की टीआरपी ठीक ठाक आ रही है। अब बात करते हैं स्टार प्लस के एक और पॉपुलर शो गुम्मे किसी के प्यार में, जहां पुराने स्टार्स विराट सई ने दर्शकों को अलविदा कहा, वहीं जनरेशन लीप की स्टोरी को फोकस किया गया सई विराट की डॉटर साबी पर, जिसके किरदार में बाविका शर्मा और उनके ऑपोजिट ईशान के किरदार में शक्ति अरोड़ा नजर आ रहे हैं। जनरेशन लीप के बाद नई जनरेशन को ऑडियंस का काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है और जे शो टीआरपी के मामले में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों, जे थे वो कुछ सीरियल जिनमें जनरेशन लीप के बाद ऑडियंस का दिल जीतने में कुछ तो कामयाब रहे और कुछ की टीआरपी काफ़ी कम हो गई। इनमें से आपका कोई फेवरेट सीरियल था तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मज़ेदार वीडियो आपको मिलती रहे।